Hey guys, welcome to Fact Loop, where you know everything you need to know. Guys, आज हम आपको एक ऐसे what if topic के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुन के आप सोच में पड़ जाएंगे. आज हम आपको बताएंगे कि क्या होता अगर इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन कभी नहीं होता. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ब्रिटिश राज जब इंडिया को छोड़कर गए तो उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के टुकड़े कर दिए एज पार्ट ऑफ देयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. तो सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन की. अब जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ तो ये सब कॉन्टिनेंट अब ग्रेटर इंडिया कहलाएगा और यहाँ के पॉपुलेशन अराउंड 1.7 बिलियन हो गए हैं. इसका मतलब दुनिया का हर चौथा बंदा यहाँ रह रहा होता. नाउ जीडीपी, भाई इतने लोग रह रहे हैं तो जीडीपी पर तो असर पड़ेगा ही ना. तो ग्रेटर इंडिया का जीडीपी 3.6 ट्रिलियन डॉलर हो जाती है. इसका अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि इंडिया अभी जीडीपी 2.8 ट्रिलियन डॉलर है और ग्रेटर इंडिया बनने के बाद ये फिफ्थ लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड बन जाते, फॉलोइंग यूएसए ऑन द टॉप विद 19 ट्रिलियन डॉलर एंड देन चाइना 12 ट्रिलियन डॉलर, देन जापान 4.8 ट्रिलियन डॉलर, देन जर्मनी 3.7 ट्रिलियन डॉलर, देयर आफ्टर ग्रेटर इंडिया 3.6 ट्रिलियन डॉलर. अब ग्रेटर इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी मूविंग मिलिट्री होती विद 2.6 मिलियन पीपल, जो कि चाइना से भी ज़्यादा है. अब बात करते हैं कि कितना पीस होता अगर इंडिया पाकिस्तान कभी अलग नहीं हुए होते. वन ऑफ द बिगेस्ट एंड पेनफुल कॉन्फ्लिक्ट जो कि कश्मीर को लेकर है वो कभी होता ही नहीं एज इंडिया और पाकिस्तान एक हुए होते और उसमें 2 मिलियन मौतें नहीं होती और 3 मिलियन डॉलर के इकोनॉमिक लॉसेस ही नहीं होते. इस सब के बाद ग्रेटर इंडिया एक ज़्यादा प्रॉस्परस और स्टेबल कंट्री हो जाता. इसके अलावा वर्ल्ड की बेस्ट क्रिकेट टीम भी हो सकती थी और बहुत से टैलेंट भी हो सकते थे. इस वीडियो को इस क्वोट के साथ ख़त्म करेंगे कि पास्ट इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, व्हाट वी हैव इज टुडे, दैट्स व्हाई वी कॉल इट्स प्रेजेंट. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक मार दीजिए और ऐसे ही खास कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर दो. और वीडियो कैसा लगा और क्या हो सकता था ग्रेटर इंडिया में उसे भी कमेंट में लिख दो.